यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया, पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। क्या सेंसस अगर आप शुरू किए तो मालूम होगा किसका कितने पॉपुलेशन है। देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में, सारे विपक्षी पार्टियों की मांग है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीतिक दल और राजनेता मुद्दों को बचा करके रखते हैं, पता नहीं कब कहां किस मुद्दे की जरूरत पड़ जाए और कौन सा मुद्दा उसके लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो जाए। आप याद कीजिए यूपीए शासन 2, 2011 की जनगणना चल रही थी। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव सरीखे नेताओं ने मनमोहन सरकार पर दबाव बनाया था कि जातिगत जनगणना हो। यूपीए खासतौर से कांग्रेस के फेवर में नहीं थी, लेकिन दबाव में उसने जनगणना कराई, इन लोगों को संतुष्ट किया, लेकिन जैसे ही आंकड़े आए उसने आंकड़ों को रोक लिया, जारी नहीं किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को इस बात का डर था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी के टाइम में ही आ गया था, लेकिन उन्होंने रोक लिया था। उसे लागू कौन किया, जारी कौन किया, तो बीपी सिंह की सरकार ने। और उसके जवाब में बीजेपी के क्या लेकर के आई थी, कमंडल वाली राजनीति, और लालकृष्ण आडवाणी तत्काल रथ यात्रा लेकर के निकल गए थे। तो ये जो मुद्दे हैं वो राजनीति के खुराक है। अब क्या है कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ रहे जातिगत जनगणना की मांग उठाते रहे, लेकिन बीजेपी इसके फेवर में नहीं है। जैसे ही वो पाला बदल करके 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन के साथ गए, वैसे तो बीजेपी के साथ रहते ही उन्होंने बिहार में सभी दलों को मिला करके शुरू कर दिया था, लेकिन पाला बदल के जाने के बाद उन्होंने थोड़ा इसको लेकर के सख्ती दिखानी शुरू कर दी और वहाँ पे सर्वे करा रहे हैं। चूंकि जातिगत जनगणना या पूरी जनगणना केंद्र का इशू है, इसलिए राज्य सरकार सर्वे ही करा सकती है। अभी नीतीश कुमार आए थे और कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल के गए, अरविंद केजरीवाल से मिले थे, और कल कर्नाटक के बीदर में राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वक्त का फेर देखिए, कर्नाटक का विधानसभा चुनाव चल रहा है, 24 का चुनाव सामने है, वही राहुल गांधी, वही कांग्रेस कह रही है पीएम मोदी से कि आप उस आंकड़े को जारी कीजिए। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया, पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिख दी, राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभा में पीएम मोदी को चुनौती दे दी कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों के विकास की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, यदि करते हैं और वाकई में उनके हित ऐसी है तो इस आंकड़े को जारी कीजिए। अब है क्या कि अडानी मुद्दे पे जेपीसी का गठन चल नहीं पाया क्योंकि बीजेपी ने विपक्ष के इस गुगली को बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से खेल दिया, सत्र बेसत धुल गया, संसद ठप रही, लेकिन बीजेपी ने सुन के नहीं दी। अब एक ऐसे मुद्दे की तलाश है जो विपक्ष को सूट करे, तो जो कांग्रेस इसका समर्थन नहीं कर रही थी वो पहली बार जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। अब जो दल पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, विपक्ष के अधिकांश दल इसकी मांग कर रहे हैं, तो इस पे मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। चुनाव आते आते इसको गरमाने की कोशिश की जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि ये सबको पता है, जैसे अखिलेश यादव यूपी में जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम और यादव से बात नहीं बनने वाली है, इसलिए वो पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश करते हैं। वैसे ही बीजेपी को केंद्र की सत्ता में पहुंचाने वाला
यदि कोई है जिसको श्रेय दिया जाना चाहिए तो अगड़ों के साथ साथ पिछड़े ही हैं जिन्होंने कि मोदी को दो बार रायसीना हिल्स की चढ़ाई पूरी करा दी। अब विपक्ष को यह लग रहा है कि जब तक पिछड़ों को नहीं तोड़ा जाएगा उधर से तब तक बात नहीं बनेगी। उन्हीं पिछड़ों को तोड़ने के लिए ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना हो और जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसी हिसाब से सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए। आगे चल करके ये बहुत विवाद होगा, आप ये समझिए कि जो टकराव भी होगा। तो खैर ये राजनीति है, राजनीति को खुराक चाहिए, चारा चाहिए, उसे इस बात से मतलब नहीं होता है कि इससे किसका नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा या लोगों का नुकसान होगा। सत्ता मिलनी चाहिए। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।